सारा जी, हम आपका दिली खैर मकदम करते हैं हमारे इस शो एक मुलाकात में। बहुत शुक्रिया सारा जी। जब आपका नाम आता है तो दिलीप साहब का नाम भी आता ही है, और आप ना सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया के अहम एक्टर की शरीके हयात हैं, तो क्यों ना गुफ्तगू भी उसी मौजू से शुरू की जाए। क्यों नहीं, क्योंकि ये तो मेरा बहुत पेट और फेवरेट सब्जेक्ट है, तो बिस्मिल्ला जी। जब आपको पहली बार खबर मिली कि आपका निकाह दिलीप साहब के साथ होने जा रहा है, तो आपकी ज़ुबान पर पहला जुमला क्या था? देखो, ये तो अजीब सी बात है, अब इसमें अगर आपको सुनाऊं तो ये तो 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन ये कि जब मुझे पता चला कि मेरा निकाह होने वाला है, मैं तो 12 बरस की उम्र से जानती थी कि मेरा निकाह यूसुफ साहब से होगा, क्योंकि मैंने ये ठान ली थी, ये बात ठान ली थी 12 बरस की उम्र में कि अगर मैं निकाह करूँगी और अगर मैं शादी करूँगी किसी से तो इंशाल्लाह वो यूसुफ खान से ही होगी। दैट वॉज़ माई ड्रीम, और मेरा ड्रीम जो है वो हकीकत में रियलाइज़ हुआ है। बहुत खुशनसीब हूँ, क्योंकि लोगों की जो हसरतें हैं कभी तमाम पूरी नहीं होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी लकी हूँ और खुशनसीब हूँ कि जितनी हसरतें मेरी रही हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सब पूरी हुई हैं। जी बिल्कुल। सारा जी, दिलीप साहब की शख्सियत एक सहर है, चूँकि ये प्रोग्राम उर्दू में है, उर्दू जानने वाले खासकर दिलीप साहब में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, तो यूँ तो उनको सारी काफ़ी बातें पता है। सारी दुनिया ही दिलचस्पी रखती है, वो शख्सियत ही ऐसी हैं माशाल्लाह। तो शरीके हयात होने के तौर पर कोई ऐसी बात जो हमारे नाज़रीन को आप बताना चाहेंगी दिलीप साहब के बारे में? देखिए, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने 12 बरस की उम्र में ही ये तसव्वुर कर लिया था कि दिस इज़ द मैन फॉर मी, तो एक इतने यंग इंसान में, मेरे में यानी कि कोई एक ऐसी बात होगी वो भांपने के लिए, वो जांचने के लिए कि मैं जिस इंसान को देख रही हूँ यानी कि दिलीप साहब को, जब मैंने किसी महफिल में देखा या अपने घर पे आते जाते देखा, तो मुझे यूँ लगा कि ये इंसान जो है ये सबसे हटके है इंसान, इसमें कोई ख़ास बात है, और इनका जो एक पर्सोना जो है उसका असर जो है मेरे यंग और मेरे इम्प्रेशनेबल माइंड पे हुआ। तो मेरे ख़्याल से दिस वाज इंट्यूशन के दिस इज़ अ पर्सन जो कि बिल्कुल अलग हैं, और ज़िंदगी में चाहूँगी तो मैं चाहूँगी कि यही मेरे साथी हों। और इनकी जो बात जो है मुझे सबसे अच्छी जो लगी, जब मुझे याद है मुगले आज़म का सेट लगा हुआ था, और हम लोग हर साल जो है, मेरी वालदा और मैं, मेरे भाई, मेरी नानी, हम सब लंदन में रहा करते थे, हमारी पढ़ाई वहाँ हो रही थी, हम दोनों की, मेरे भाई की और मेरी, वहाँ के स्कूल में हम पढ़ते थे एज डे स्कॉलर्स, और वहाँ पे एक घर लिया हुआ था, और अक्सर जो लंबी छुट्टी होती थी जुलाई से सितंबर तक, तो मेरी वालदा जो हैं वो हमें पूरा यानी कि यूरोप दिखाते हुए, और ये हर साल का मामूल था या हर दूसरे साल का मामूल कि यूरोप होते हुए और फिर हम अपने घर आते थे हिंदुस्तान। तो यानी कि वालदा की ये कोशिश रही हमेशा कि बेहतरीन से बेहतरीन वहाँ तरबियत हो, तालीम हो, लेकिन जो हमारा देसीपन है, जो हमारे रूट्स हैं, जो हमारी असलियत है, जो हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता है, उससे कोई हमको यानी कि गफलत ना हो, तो हम पूरी छुट्टी जो है इस तरह गुजारते थे, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यहाँ गुजारते थे। उस दौरान मुगले आज़म का सेट लगा हुआ था ऐसी एक छुट्टी में, शीश महल, और मेरी वालदा के चंद फ्रेंड्स, एक लेडी थी, बहुत करीब थी उनसे, और लंदन से वो आईं और रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ वो रखती थी, और उन्होंने कहा कि रोशन, मेरी वालदा नसीम जी का नाम रोशन था, तो हमें शूटिंग देखनी है, मुगले आज़म की शूटिंग है, तो फौरन आपा जी ने यूसुफ साहब के यहाँ टेलीफोन किया, और हम लोग गए हमारी गाड़ी में बैठे हुए। अब जब हम पहुँचते हैं वहाँ सेट के ऊपर, जो स्टेज है ना उसका दरवाज़ा, तो उस पे यूसुफ साहब खड़े हुए थे इस तरह ऐसे, और सफ़ेद शर्ट और पैंट पहनी हुई, और मैं बहुत
I was a very young girl. 12 साल की तभी आप 12 साल की उम्र में नहीं नहीं उससे भी जब छोटी. तो I would have been हाँ 13 or something like that. 12 साल में तो पहले मैंने इनको देखा था लेकिन उस दिन की बात सुना रही हूँ. तो जैसे मैंने इनको देखा I said oh my god इनका तो पैकअप हो गया you know. And I was a film fan यानी कि जो भी रिसाला आता था लंदन में उस पर लपक के मैं देखती थी कि क्या आ रहा है उसमें क्या हो रहा है क्या शूटिंग है कौन से स्टार्स हैं. तो फौरन यूसुफ साहब ने मेरी वालदा को और मुझको देखा आपको याद तो होगा नहीं तो गाड़ी की तरफ बढ़े और ही लीन इन टू द विंडो एंड सेड के आपा जी ये नसीम जी शूटिंग तो पैकअप हो गई है मेरी लेकिन आप अंदर चलिए और वो कव्वाली गाना कुछ चल रहा है. और मुझे याद है क्या वो सो क्रेस्ट फॉलन के यूसुफ साहब की शूटिंग हो चुकी है. बहरहाल हम लोग अंदर गए और वहाँ इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया सबसे और कोई कव्वाली चल रही थी वहाँ जो मुझे मुझे तो होश ही नहीं है क्योंकि मुझे ये सिर्फ एक ख्याल था कि मैं साहब को देख रही थी यू नो कि आई वॉज सच अ क्रेज़ी फ़ैन ऑफ हिज. तो वहाँ वो शूटिंग हमने देखी तो वहाँ पे भी मुझे आई थॉट कि दिस इज़ समबडी हु इज़ सो सिंपल एंड सो नाइस सो अनअस्यूमिंग और यही इनकी क्वालिटी है जो मुझे हमेशा यानी कि जिस क्वालिटी ने मुझे जीता है इनकी सिंप्लिसिटी. आप देखिए कि पहनावा भी इतना सिंपल है. ये नहीं कि इनको अच्छे कपड़ों की मालूमात नहीं है लेकिन एक से एक सूट है. अपने शूज़ और टाइज और हैंकीज जो हैं इनका कलेक्शन माशाल्लाह से वो एक ट्रेजर है क्योंकि बहुत शौक़ से अपने कपड़े वगैरह ये रखवाते हैं लेकिन अक्सर जो इनका पहनावा है वो सफ़ेद एकदम सिंपल है और वैसी उनकी लिविंग है. कभी भी शोर शराबा नहीं है खाने के ऊपर. खाना हम बिल्कुल हल्का बनाते हैं और जो इनकी पसंद की चीज़ें हैं वो कभी कबाब जैसे बनती हैं ईद त्यौहार पे बिरयानी पुलाव और आलू गोश्त वगैरह वगैरह. बेसिकली हम लोग फूड ईटर्स हैं वी लव टू ईट. और फिर ये भी है कि वेजिटेरियन भी इनको बहुत पसंद है जैसे सेव पूरी और दही बटाटा पूरी दही बड़े बहुत अच्छे बनते हैं हमारे यहाँ. तो मेरी वालदा और यूसुफ साहब की वजह से और मेरी नानी की वजह से हमारा घर का क्विजीन जो है जो पकवान है माशाल्लाह काफ़ी यानी कि डाइवर्स है. तो घर पे जैसे चाइनीज़ भी बनता है तो बिरयानी भी बनती है और डोसे भी बनते हैं इस तरह से. और इनके अपने जो कंकॉक्शंस हैं ना रेसिपीज सूप वगैरह के लिए आपको ताज्जुब होगा कि कई कई सूप्स हैं जो इन्होंने खुद इजाद किए हैं. क्या बात है. हाँ हाँ और बेसिक उसमें जैसे चिकन सूप है तो उसमें किस तरह से भिंडी का इस्तेमाल तो भिंडी चिकन सूप हमारे यहाँ एक बनता है. फिर खुबानी सूप बनता है और यहाँ तक कि जब मैं बीमार हुई एक ऐसा वक्त आया कि मुझे स्टमक इन्फेक्शन हो गया था और मुझे ये लोग लंदन ले गए थे मेरे इलाज के लिए. वहाँ लंदन क्लिनिक में मैं रहती थी एडमिट थी राधा. अब साहब ने वहाँ के रेस्टोरेंट्स में जाके और जिस घर पे हम रहते थे वहाँ ऐसे कॉन्कॉक्शंस डिवाइस किए इन्होंने और मेरी वालदा ने कि उस रेस्टोरेंट के अंदर वहाँ वो नाम रखा गया कि दिस इज़ यू नो दिलीप कुमार स्पेशल. एक सफ़ेद चिकन होता था बिल्कुल कम घी वाला बिल्कुल ही हल्का सा उसमें मक्खन पड़ता है और हरा धनिया है हरी प्याज है और थोड़ा सा मक्खन एंड कैप्सिकम. तो दैट इज दिलीप कुमार स्पेशल चिकन. क्रिएटिविटी सिर्फ फिल्म तक नहीं लिमिटेड रही. नहीं नहीं बहुत क्रिएटिविटी है. अभी जो आप लोग ने जिक्र किया इनसे इंटरव्यू लिया कि बहुत अच्छे स्पोर्ट्स स्टार रहे हैं लेकिन बहुत लोगों को शायद ये नहीं मालूम हो और कुछ को मालूम हो कि बहुत ही टैलेंटेड सिंगर भी हैं ये और अल्लाह की देन है. अल्लाह की देन है क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर शी हैज़ बीन अ ग्रेट क्लासिकल आर्टिस्ट. शमशाद बेगम अब्दुल वहीद से लाइव गाती थी कोलंबिया के लिए कोलंबिया रिकॉर्ड्स के लिए. तो अम्मा जी जब रियाज करती थी तो यूसुफ साहब साथ में बैठ के जब गुनगुनाते थे तो कहते थे कि सुभान अल्लाह. मेरी अम्मा जी कहती थी यूसुफ भैया आपके गले में ऐसी अच्छी मुर्कियाँ हैं इट इज़ गॉड्स गिफ्ट. आप ज़रूर सीखिए. बहुत खूब. हाँ बहुत अच्छा. और सितार भी बहुत अच्छा बजाते हैं. वो तो आपको इल्म होगा कि जब कोहिनूर की शूटिंग हुई थी आई हैव गॉट टू
लर्न दिस. मुझे बाद में पता चला कि जब शूटिंग हुई तो इन्होंने मेरे ख्याल से चंद महीने या एक साल भर खूब ऐसी प्रैक्टिस की, और वाकई यानी कि जो सरगम वगैरह जो आलाप इन्होंने सब प्ले किए हैं वो अपने आप इन एक्चुअलिटी प्ले किए हैं. अक्सर हम लोग तो है ना वो हाथ घुमा देते हैं सितार के ऊपर, पर इन्होंने तो उस तरह से इन एक्चुअलिटी प्ले किया है. सो ही इज़ वेरी टैलेंटेड म्यूजिकली ऑल्सो. एक ही इंसान में अल्लाह पाक ने ढेर सारी खूबियाँ दे दी. बिल्कुल. तभी तो हम सब खिंचे जाते हैं उनकी तरफ. बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल. अब मैं आपसे थोड़ा जंगली के बारे में पूछना चाहूँगी. हाँ, जंगली. आपकी फिल्म जंगली आई 1962 में. जी सही. वो दौर था जब ब्लैक एंड वाइट सिनेमा, ब्लैक एंड वाइट सिनेमा से हम कलर सिनेमा की ओर की तरफ जा रहे थे. एंड वी मस्ट गिव द क्रेडिट टू जंगली. जी, जंगली पहली कामयाब फिल्म थी ईस्टमैन कलर की. सही बात. और आप एक सुपरस्टार के साथ काम कर रही थी उस वक्त के शम्मी कपूर. एक तरफ आपके खूबसूरती के चर्चे हो रहे थे तो दूसरी तरफ कामयाबी आपके कदमों को चूम रही थी. तो कैसा लग रहा था, कैसा महसूस हो रहा था उस वक्त? बहुत ही अच्छा महसूस हुआ. बस यही एक ख्याल था कि खूब मेहनत करनी है मुझे. जी. क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था. और ऐसे ऐसे मौके हुए जबकि मैंने अपने आप को काफ़ी यानी कि शर्मिंदा पाया, क्योंकि ये एहसास था कि वाकई इतनी कमी है मेरे में. ना तो मैं डांसर हूँ, ना तो पूरी तरह से मैं ज़ुबान से वाकिफ़ हूँ. क्योंकि अब जितना मैं उर्दू बोल लेती हूँ या हिंदी बोल लेती हूँ, उस वक्त यूँ होता था कि क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश और फ्रेंच रहा एंड लैटिन. लैटिन जो कि रूट लैंग्वेज है इंग्लिश की और सब यूरोपियन लैंग्वेज, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच की, तो वो संस्कृत की तरह है, लाइक संस्कृत. तो उस तरह से इट इज़ अ रिटन लैंग्वेज. तो मैंने वो भी सब्जेक्ट लैटिन का लिया था. बट आई हैव स्टडीड यू नो ओनली अप टू मैट्रिकुलेशन. क्योंकि मैं जैसे ही मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम मैंने दिया, मैंने इतनी भी फुर्सत नहीं पाई कि मैं अपने रिजल्ट मालूम करूं, और मैं भाग के छुट्टियों में यहाँ आ गई. लंबी छुट्टी जो मैंने जिक्र किया, लंबी छुट्टी हमारी होती जी, थी जी. तो यहाँ जैसे आई हूँ तो मुझे 5-6-7 ऑफर्स मिल गए, जिसमें से एक जंगली था. और उस वक्त है ना ये एहसास कुछ नहीं था कि शम्मी साहब को मैं बहुत एडमायर करती हूँ. देखिए अब इसी महीने की 21 तारीख में ही हैज सेलिब्रेटेड हिज 75th बर्थडे. एंड यूसुफ साहब को वो बड़े भाई की तरह मान देते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं उनसे. और यूसुफ साहब और हम गए उनकी सालगिरह 75th मनाई उनके साथ. वी फेल्ट सो हैप्पी बिकॉज इन दोनों ने जब इनकी मुलाकात हुई वो देखने काबिल थी. इट वॉज सो फुल ऑफ इमोशन एंड लव. एंड उस वक्त मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था, ना एहसास था कि शम्मी साहब यानी कि किस दर्जे के हीरो हैं या क्या काम करते हैं. क्योंकि मेरी दुनिया के लिए वो यही था कि एक दिलीप कुमार हैं जिनकी फिल्म मैंने देखी है आन लंदन में, और बस वो ही मेरे लिए एग्जिस्ट करते थे. और सुना हुआ था कि देवानंद साहब हैं, राज कपूर साहब हैं, जिनका जिक्र था हमारी ज़िंदगी में. सुनी हुई बातें थी कि दे आर मेजर स्टार्स. लेकिन कहूँ कि जुनून अगर किसी का था तो सिर्फ यूसुफ साहब का हमारे दिमाग के ऊपर. तो शम्मी साहब के साथ काम करते हुए मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई. मैं इस ओ में नहीं थी कि ओ मैं शम्मी जी के साथ काम कर रही हूँ. क्योंकि मेरे ख्याल से वक्त कुछ ऐसा होता है कि वो शम्मी साहब का सुपर स्टारडम जो है मेरे ख्याल से उनको अल्लाह ताला ने अता फरमाया आफ्टर जंगली. क्योंकि उस वक्त तक मेरे ख्याल है वो फिल्म्स जो कर रहे थे वो जैसे जंगली पूरा कलर का एरा ले आई. एंड इट आल्सो पुट यू नो कश्मीर ऑन द मैप. उसके बाद आप देखिए जंगली के बाद कि हर फिल्म जो है वो वहाँ शूट हो रही थी. और ईस्टमैन कलर फिल्म जो है दैट वाज brought into the fore with Jangli. क्योंकि until then print by Technicolor सब London से होता था. यहाँ तक मेरा ख्याल है गंगा जमुना आपकी print by Technicolor London हुई है. और उससे पहले जिसमें मेरी वालदा काम करने वाली थी और नहीं किया उन्होंने, झांसी की रानी भी print by Technicolor थी. That was also London.
सो दिस इज रियली आई मीन वी हैव क्रिएटेड हिस्ट्री विद जंगली. बिल्कुल. और उसके साथ साथ क्या हुआ जंगली के साथ कि जैसे कि कलर आया उसका दौर आया तो उसी तरह से कॉस्ट्यूम्स मेकअप गेटअप्स मेकओवर्स क्योंकि मेरी वालदा ने आई थिंक शी इज़ द फर्स्ट लेडी जिन्होंने कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन करने शुरू किए मेरे लिए. ज्वेलरी जो मेरे लिए बनती थी फिल्म्स के अंदर वो कस्टम मेड होती थी जी. और हैरानी की बात है कि जितेंद्र के जो अंकल होते थे वो ज्वेलरी उन्होंने ही ब्रॉट द ज्वेलरी यू नो टू माय मदर्स प्लेस फिल्मी जो ज्वेलरी होती है. और जितेंद्र मुझे सुनाते हैं कि ही हैड कम टू मीट मी अलॉन्ग विथ हिज अंकल एट दैट टाइम. तो आपा जी मेरी वालदा यानी कि ना सिर्फ कॉस्ट्यूम्स बनवाती थी ज्वेलरीज भी बनवाती थी असली भी मेरी एंड ऑल्सो फॉर फिल्म कस्टम मेड. और आज तो आप देखिए कितनी सहूलत है कि कितने ही डिज़ाइनर्स हैं. तो आपा जी स्टार्टेड द आई मिलन की बेला साड़ी ऑल्सो यू नो क्रेप क्रेप सिल्क शुरू कर दिया. क्रेप सिल्क वो लाइन इन टू फैशन डिज़ाइन एंड विद ब्यूटिफुल एम्ब्रॉयडरी जो मेरे घर पर ही मेरे एम्ब्रॉयडर्स होते थे तो घर पे ही वो सब तैयार होती थी चीज़ें. तो शी इज़ द वन हु पुट यू नो फैशन डिज़ाइनिंग ऑन द मार्क जी इन फिल्म्स.